जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे तो कैसे आप प्रसन्न रख सकते हैं कामदेव को। कौन है कामदेव और कामदेव को प्रसन्न रखने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में आज बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने कामदेव के कई मंत्र आपको बताए हैं जिसे करने से आप अपने जीवन में कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कि आप उसे प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जब बस और काम ना हो तो आप जीवन में किसी भी तरह की अचीवमेंट कर लें, आपको वहां पर वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी आपको अपने पार्टनर के साथ रहने से मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाता है या फिर आपसे अट्रैक्ट नहीं रहता, किसी और से अट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आपसे, या फिर आप में अट्रैक्शन का वो पावर नहीं रह जाता जो पहले था। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी है तो ये वीडियो भी आपके लिए है। आज वो डिटेल में मैं बताऊंगी आपको कि कामदेव के मंत्र जाप से आपको कैसे होंगे फायदे, क्या होंगे फायदे और कैसे प्रसन्न रखेंगे आप भगवान कामदेव को, क्योंकि हिंदू धर्म में कामदेव को काम का देवता कहा जाता है, यानी कि प्रेम का देवता कहा जाता है और माता रति प्रेम की देवी है। किस तरह से आप इनको प्रसन्न रख के अपने जीवन को भी प्रेममय बना सकते हैं वो उसकी चर्चा आज की वीडियो में होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कामदेव के मंत्रों का जाप करते हैं उनका पार्टनर कभी उनसे दूर नहीं जाता, उनका अट्रैक्शन कभी कम नहीं होता और वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। कामदेव और रति की पूजा करने से पारिवारिक प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है और आपसी संबंध आपके पति पत्नी हो या आप प्रेमी प्रेमिका हो, ये दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं, कोई आपके संबंध को तोड़ नहीं सकता। कामदेव जो है ना वो आपके जीवन में प्रेम का संचार करते हैं। एक बार आंखें बंद करके ये सोचिए कि अगर पूरे विश्व में प्रेम ही ना रहे तो जीवन में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो प्रेम का संचार करते हैं कामदेव और माता रति श्रृंगार की देवी हैं और दोनों के बिना जीवन अधूरा है। तो आप कैसे प्रसन्न रख सकते हैं अपने जीवन में इनको और अपने जीवन में अट्रैक्शन को प्राप्त कर सकते हैं, वो आकर्षण जो आकर्षण कभी खत्म नहीं होगा चाहे उम्र कितनी भी हो। कामदेव मंत्र के जाप से बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं और उसमें से सबसे बड़ा है आपकी आयु। आपकी आयु जैसे बढ़ती जा रही है, अगर आप कामदेव मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी आयु अगर आप 40 के हैं ना तो 30 के दिखने लगेंगे। जी हाँ, ये आयु को कम करता है। कहने का मतलब है आपके चेहरे पे आपकी आयु नहीं दिखेगी, स्किन इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा, ग्लोइंग हो जाएगा कि आप खुद ब खुद अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे। तो और दूसरा, आपके जीवन में प्रेम का संचार करती है, यानी आप यंग भी रहेंगे, अट्रैक्टिव भी रहेंगे और प्रेम भी आपके जीवन में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और भी कई एक लाभ है कामदेव को खुश रखने के, कामदेव के मंत्र जाप के, वो भी बताऊंगी। और एक विशेष छोटा सा मंत्र मैं बताऊंगी जिसे आप रोजमर्रा के जीवन में अपने लाइफ में अगर यूज करते हैं तो आपके जीवन में कामदेव जरूर प्रेम का संचार करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं कौन? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर अंबिका शर्मा आपके लिए लाती हूँ हमेशा छोटे छोटे उपाय, ऐसे तरीके जो आपके जीवन में भरती है बड़ी बड़ी खुशियां, ऐसे तरीके, ऐसे मंत्र जो आपके लिए तो भले ही छोटे होंगे लेकिन आपके जीवन में वो बड़े बड़े चमत्कार लाती है जो आप चाहते हैं। बस अपने श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखिए। दोस्तों, अगर इस तरह की जानकारी आपको भी पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए जानते हैं कामदेव मंत्र को कैसे जपना है। आपके पास अगर बहुत कम समय है तो कम समय में भी आप कामदेव को प्रसन्न रख सकते हैं और अपने जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र को रोज जपने से आपके सामने वाले व्यक्ति यानी आपके अपोजिट लिंग, आप जिससे प्रेम करते हैं, उसके दिल में आपके लिए प्रेम भर जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा। कुछ नियम है जो आपको इसके साथ साथ पालन करने हैं और वो मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी, लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपको इस मंत्र का जाप अपने प्यार को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में प्यार के संचार के लिए करना है।
किसी के नुकसान के लिए नहीं करना है। जीवन में आपके कर्म लौट कर आते हैं और इस तरह का जब कोई मंत्र आप जपते हैं और इससे किसी का नुकसान सोचकर जपते हैं तो जीवन में सोच लीजिए कि आपको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए ये मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन जितना जल्दी ये रिजल्ट देता है उतना जल्दी नुकसान भी करता है। इसे सोच समझ कर ही मंत्र का जाप अब शुरू करेंगे। अब मंत्र जाप करेंगे, कौन सा है वो मंत्र? मंत्र है दोस्तों ओम क्लीम कामदेवाय नमः। ये मंत्र है कामदेव का बीज मंत्र। कई बार ये सवाल आते हैं कि कामदेव का बीज मंत्र कौन सा है, तो कामदेव का बीज मंत्र ओम क्लीम कामदेवाय नमः है। और इस मंत्र का जब आप जाप शुरू करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि अगर इसे आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे शाम संध्या बेला करते हैं तो याद रखिएगा नॉन वेज खाकर नहीं करेंगे। इसीलिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसे सुबह सुबह ही करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, एक ऐसा जगह चुन लें जहां पर आप एकांत में बैठ सके। एकांत में बैठकर आप कामदेव की तस्वीर सामने रख लें। इंटरनेट पे बहुत सारे कामदेव की तस्वीर है, आप उसे सर्च कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए और सामने रखिए। घी का दिया जलाइए और कोई फल आप अर्पित कर दीजिए उन्हें। धूप दीप नैवेद्य करने के बाद आप आंखें बंद करके इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे। जाप करने के पहले आप अपने इंटेंशन को क्लियर करेंगे। इंटेंशन क्लियर करने का पहले मतलब है हाथों में जल लेकर अपने, आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम, इष्ट का नाम और अपने पिता का नाम, अपना नाम हाथों में जल लेकर आपको बोलना है। और आपकी जो इच्छा है वो भी आपको हाथों में जल, जिस समय आप लिए रहेंगे उसी समय में बोलेंगे कि हे कामदेव, इसीलिए मैं ये जाप कर रहा या कर रही हूँ, और जल को उनके सामने छोड़ देंगे। उसके बाद एक चीज और कि आप कितने दिनों के लिए करेंगे, कम से कम 21 डेज और या फिर आप 41 डेज के लिए जरूर संकल्प ले लीजिए और ओम क्लीम कामदेवाय मंत्र का जाप शुरू कीजिए। मन में आपके क्या होना चाहिए? मन में आपके उस पार्टनर की छवि होनी चाहिए जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। मन आपका भागता रहेगा, उसे भागने दे, जबरदस्ती ना पकड़े, लेकिन जब भी भागे तो बार बार आप मन में यही दोहराएं आपके पार्टनर की छवि, बस वो मेरे पास आ चुका है, भगवान कामदेव का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो चुका है और वो मेरे पास आ चुका है। बस आपको ये सोचते जाना है और मंत्र जाप करते जाना है। रोज आपको 108 10 यानी एक माला जाप करना है, बस ये आप कर दीजिए। भगवान कामदेव आपसे प्रसन्न भी होंगे, अपना आशीर्वाद भी देंगे और सच्चे दिल से किया हुआ कोई भी कार्य कभी विफल नहीं होता, आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। बस इस तरह से आप रोज करना तो शुरू कीजिए, क्योंकि कई लोगों ने इसका फल प्राप्त किया है और उन्हें इसका फायदा भी हुआ है। आप भी कीजिए, आपको भी फायदा होगा। ऐसे ही कुछ खास जानकारियों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।